ये सुंदर सूत्र उपदेश का नाम है महानाम सूत्र। क्या नाम है? महानाम। महानाम शाक्य राजा है, उसी शाक्य राजा को बताया गया सूत्र है महानाम सूत्र। ज्ञान सुनने से पांच प्रकार से ज्ञान सुनना चाहिए। ये पांच कारण आप लोग ज्ञान सुनेंगे तो आप लोगों के पास ये पांच कारण होना चाहिए। पहला है अट्ठिकत्व। अट्ठिकत्व मतलब पूरा ध्यान लगा के सुनना चाहिए। अट्ठिकत्व मतलब पूरा ध्यान लगा के सुनना चाहिए, यानी कि सावधानी से सुनना चाहिए ज्ञान, तब समझ में आता है। मानसिकत्व मनन करके सुनना चाहिए। मनन करके सुनना मतलब ज्ञान बताते समय वो छोटा चीज बताए तो उसको मनन करके समझ समझ के सुनना चाहिए, वो मानसिकत्व। तीसरा है सब चेतसो समन्ना हरित्व। पूरा मन उस ज्ञान पे ही लगा के सुनना चाहिए। पूरा मन ज्ञान पे लगा के सुनना चाहिए, जैसे कि उधर भी देख के और घर के बारे में सोच के, भूख लगता है उसके बारे में सोच के, प्यास लगता है पानी थोड़ा लाए तो अच्छा है, कुछ ऐसा सोच के नहीं सुनना चाहिए। ज्ञान सुनना है तो एकदम पूरा अपना मन उस ज्ञान पे रखना चाहिए। उसको कहता है सब चेतसो समन्ना हरित्व। इसके बाद चौथा है ओहित सोतु। कान लगाना चाहिए किस पे? उस ज्ञान पे। ओहित सोतु कान लगाना चाहिए। धम्म सुनाती धर्म सुनना चाहिए। कैसे? पहला है एकदम सावधानी से, एकदम ध्यान से हर एक शब्द को। दूसरा मनन करते करते सुनना चाहिए। तीसरा पूरा मन को उस ज्ञान पे लगाना चाहिए। तीसरा तो चौथा कान लगाना चाहिए, कान उस पे लगाना चाहिए, इधर से तोड़ के इस पे नहीं, यानी कि सुनना चाहिए कान लगा के। पांचवा उसी प्रकार धर्म सुनना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। बहुत सुंदर है ये सूत्र, अंगुत्तर निकाय में छठ निपात में है। शाक्य जनपद क्या है? कपिल वस्तु है ना, जहाँ सुद्धोधन राजा रहते। सुद्धोधन राजा कौन है? सिद्धार्थ गौतम का पापा। वहाँ कपिलवस्तु शहर में ये सूत्र उपदेश दिया गया। भगवान बुद्ध के पास में संगत करके एक शाक्यवंशी राजकुमार था, वो महानाम उनका नाम, वो बहुत फेमस था, पूरा कपिलवस्तु में पूरा फेमस था, प्रभु था। प्रभु मतलब बहुत बड़ा था वो। कौन है? महानाम। महानाम शाक्य। शाम की समय आते समय भगवान बुद्ध बताया महानाम को। भगवान बुद्ध उस वहां गए थे ना अपना पापा को ज्ञान बताने के लिए, फिर शाम होने के बाद महानाम को बताया। महानाम रहने के लिए जगह चाहिए, महासंघ है, हम सभी लोग हैं, तो महानाम उसके लिए एक जगह खोज रहा था। उनको मिला निग्रोध आश्रम।
निग्रोध आश्रम शाक्य लोगों ही बना दिया है, शाक्य लोग बना दिया है। भगवान बुद्ध वहां रह गया तो अच्छा है, ऐसा महानाम ने सोचा। लेकिन वहां भरंडुकालाम नाम का एक ऋषि है। कहां पे? निग्रोध आश्रम में भरंडुकालाम नाम का एक ऋषि है। भगवान बुद्ध इत्यादि आर्य महासंघ को निग्रोध आश्रम में लेके आया। भरंडुकालाम तपस्वी भी उन लोगों को मुलाकात हो गया। ये महानाम शाक्य भरंडुकालाम अच्छी तरह से जानता पहचानता है। क्यों? महानाम बहुत बड़ा प्रभु है, इसलिए महानाम को ये भरंडुकालाम दोस्त जैसा है, अच्छा लगता है। उसी जगह पे ऐसा एक बातचीत हो गया। महानाम भगवान बुद्ध जी से पूछा, भगवान बुद्ध जी, हर एक धर्म का लक्ष्य एक है? ऐसे पूछा। क्या पूछे हैं? हर एक धर्म का लक्ष्य समान है? हर एक धर्म का टारगेट, हर एक धर्म का सोच, हर एक धर्म का लक्ष्य समान है? भगवान बुद्ध बताए, महानाम, हर एक धर्म का एक लक्ष्य नहीं है, अलग अलग लक्ष्य हैं। इसका मतलब हर एक धर्म समान नहीं है। भगवान बुद्ध की ये जवाब सुन लिया भरंडुकालाम तपस्वी। वो महानाम को बताया, महानाम आप बताइए, सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म का लक्ष्य एक ही है, आप बता दीजिए। फिर भगवान बुद्ध बताया, नहीं महानाम, आप इसी प्रकार बताइए कि हर एक धर्म का लक्ष्य अलग अलग है, समान नहीं है। फिर भी भरंडुकालाम बताए, नहीं नहीं महानाम, मेरा बात मानिए, हर एक धर्म आप बोलिए ऐसा कि हर एक धर्म का लक्ष्य अलग अलग नहीं, एक हर एक धर्म समान है। फिर भगवान बुद्ध बताया, महानाम आप ऐसा कहिए कि हर एक धर्म का लक्ष्य अलग अलग है, समान नहीं है। फिर ये भरंडुकालाम सभी लोगों के सामने इंसल्ट हो गया। सभी लोग भगवान बुद्ध की बात मान लिया, वो भाग गया निग्रोध आश्रम से। इसके बाद निग्रोध आश्रम हमेशा के लिए भगवान बुद्ध इत्यादि आर्य महासंघ को पूजा किया है। भरंडुकालाम का विचार वर्तमान में भी समाज में है ना, हर एक धर्म में एक ही बताता है, हर एक धर्म समान है, हर एक धर्म एक ही है, ऐसे बताता है ना। उसमें कुछ सत्य भी है, सबका मालिक एक ही मालिक तो वही बड़ा भैया, वो तो सबका धर्म का है, लेकिन भगवान बुद्ध के रास्ता का नहीं। यानी कि हर एक धर्म अलग अलग है, समान है, अलग अलग है, उन लोगों का लक्ष्य भी अलग अलग है। एक दिन वो महानाम भगवान बुद्ध से उस दिन प्रश्न पूछा, यो सो भन्ते आर्य सावको आगत फलो विज्ञात शासनो सो कतमेन विहारेन बहुलं विहरतीति। तथागत भगवान बुद्ध जी, जो मार्ग पे आया है यानी कि सोतापन्न हो गया, यात्री सोतापन्न होने वाला मार्ग पे आ चुका है, ऐसे तथागत भगवान बुद्ध की शासन जो पहचानना है, वही आर्य शावक बहुत बहुत क्या मनन करके रहना चाहिए? अच्छा प्रश्न है ना हम लोग के लिए।
बहुत बहुत क्या मनन करना चाहिए भगवान बुद्ध के श्रावक लोग जो सोतापन हो गया। सोतापन होता है मतलब भगवान बुद्ध धर्म ऐसा है, सबसे पहले कोई भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध के बारे में किसी को बताता है, भगवान बुद्ध के ज्ञान के बारे में बताता है। बताने के बाद अगर वो बुद्धिमान है तो उनका दिल में भगवान बुद्ध प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, प्रसन्नता उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होता है। उसको वो श्रद्धा कभी पलटता नहीं है। बाकी लोग आगे कह गए तो वो सब छोड़ दो, भगवान बुद्ध को छोड़ दो, कहने पर ही छोड़ता नहीं है। राजा महाराजा मुख्यमंत्री महामंत्री आके कह दिया तब भी, जान गया तब भी छोड़ता नहीं भगवान बुद्ध की रास्ता, इतना पक्का हो गया दिल में। उनको कहता है श्रद्धानुसारी। क्या है श्रद्धानुसारी? मतलब श्रद्धा में आ गया, पूरा भगवान बुद्ध प्रति विश्वास है। अब ये भगवान बुद्ध की ज्ञान विश्वास करता है, सील समाधि ज्ञान विश्वास करता है। धीरे धीरे ये क्या करता है, प्रैक्टिस करता है भगवान बुद्ध की रास्ता। क्या प्रैक्टिस करता है? सील सुरक्षा करने के लिए प्रयास करता है, साधना करने के लिए प्रयास करता है, भगवान बुद्ध के ज्ञान के अनुसार सोच सोच कर ज्ञान को समझ कर प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, और योनिसो मनसिकार करने के लिए प्रयास करता है। ये प्रैक्टिस करता है, यानी कि प्रयास करता है। पहले विश्वास किया, प्रसन्न हो गया, दूसरा प्रैक्टिस करता है। उसको कहता है धम्मानुसारी। विश्वास किया शुरू में, वो कौन है? श्रद्धानुसारी। और आगे आ गया, हमको चाहिए भगवान बुद्ध का रास्ता, प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों? ये रास्ता दुनिया में सबसे पवित्र रास्ता है, इसीलिए हम ये प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कर रहा है, प्रयास कर रहा है रास्ता पे जाने के लिए, मेहनत कर रहा है। वो कौन है? धम्मानुसारी। ये धम्मानुसारी व्यक्ति बहुत प्रयास करके प्रयास करके प्रयास करके पटिच्च समुपाद को समझता है, अपना जीवन के अनुसार समझता है, ये धर्म समझ लेता है, यानी कि सत्य, इस संसार का सत्य है ना, समझ लेता है। इसके बाद उनका मन से तीन चीज हट जाता है। पहला है सकाय दिट्ठी। क्या है पहला? सकाय दिट्ठी मतलब उनका मन में ये नहीं है मेरा है, मैं हूँ, मेरा आत्मा है। वो कभी विश्वास नहीं करता है, वो जानता है सत्य। सभी लोग सोचते ना ये मेरा है, अगर आपको कोई डांट दिया तो मुझे तुरंत अपसेट होता है। क्यों अपसेट होता है? अपने को पकड़ लिया, वो मुझे डांटा, मुझे डांटा। इसका मतलब उनका मन में मेरा है, मैं हूँ, मेरा आत्मा है, ऐसा दृष्टि है ना, इसीलिए उसको कोई डांट दिया तो दुख हो जाता है, कोई अच्छा बोल दिया तो खुशी हो जाता है, मुझे अच्छा बोल दिया है। या तो फिर शरीर दुखेगा तो वो सोचता है शरीर बहुत दुखता है, घुटनी दुखता है, बहुत दुखता है, मेरा शरीर दुखता है, मुझे बीमार लगता है। क्यों? आत्म दृष्टि में आ गया। कैसे? मेरा है, मैं हूँ, मेरा आत्मा है, उसको सकाय दिट्ठी कहते हैं। असलियत क्या है? ये अपना वास में कुछ भी कर सकता है क्या? नहीं। ये शरीर, ये आंख अपना वास में कर सकता है, कान अपना वास में कर सकता है, नाक अपना वास में कर सकता है, जीभ अपना वास में कर सकता है, शरीर अपना वास में कर सकता है, मन नहीं, ये कुछ भी अपना वास में नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये सब कुछ मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये सोतापन मतलब ये समझ लेता है। सोतापन व्यक्ति को कोई जोर से गाल दिया तब भी गुस्सा नहीं आता है, सुखी हो तो सब समझ लेता है।
क्यों? उनके पास ज्ञान है, वो अपने को पकड़ा नहीं, सिर्फ आवाज आ गया मेरा कान में, कौन तो इस छह इंद्रिया को, इस गंदगी शरीर को कौन तो डांट दिया, ऐसे करके समझता है। बाकी लोग क्या समझता है? मुझे डांटा, मुझे ऐसे किया, क्यों? आत्मदृष्टि है। सोतापन व्यक्ति के पास आत्मदृष्टि नहीं है। दूसरा कारण, उनके पास सीलबद्ध परामास नहीं है, यानी कि गलत गलत व्रत वो नहीं करता है, जैसे कि उपवास करना है। उपोषित गलत नहीं है कि उपोषित सीधा विमुक्ति के लिए है ना, लोग करता है छठ, छठ में, छठ पूजा में व्रत पालन करता है, मुस्लिम लोग नौम भी लेता है, ऐसा करके अलग अलग प्रकार के व्रत है ना उसके। और हिमालय में जो ऋषि लोग के, उन लोग बिना का के रहता है, बिना नहा के रहता है, अलग अलग प्रकार की व्रत पालन करता है। ऐसा व्रत कभी भी ये व्यक्ति अपनाता नहीं है। कौन व्यक्ति? सोतापन व्यक्ति का दूसरा कारण। सोतापन व्यक्ति का तीसरा कारण है विचिकिच्छा नहीं है, यानी कि शक संदेह नहीं है भगवान बुद्ध प्रति और भगवान बुद्ध की रास्ता के प्रति, भगवान बुद्ध की ज्ञान के प्रति एक बुंदा भी शक नहीं आता है। हम ये जो करते हैं ये सही है या गलत है, पक्का सही है, हमको हमसे होता नहीं है, लगता है गलत होगा, ऐसा कभी शक नहीं आता है। धर्म के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में पूरा विश्वास, एक बुंदा भी शक नहीं आता है, विचिकिच्छा नहीं है। तीन चीज खत्म हो गया। पहला है शक आदि, यानी कि आत्मदृष्टि, मेरा ही मैं हूँ, मेरा आत्मा है। दूसरा दूसरा शीलबद्ध परामर्श, यानी कि गलत व्रत अपनाता नहीं, नहीं लेता है, नहीं रखता है। तीसरा शक नहीं करता है भगवान बुद्ध के प्रति। ये तीन चीज नहीं है तो वो कौन है? सोतापन्न। सोतापन्न व्यक्ति भगवान बुद्ध ने बताया कभी भी नरक में नहीं जाता है, कभी भी जानवर जन्म में नहीं जाता है, कभी प्रेतों के पास नहीं जाता है, जाएगा तो देवताओं के पास या मानव लोक में, फिर भी सात जन्म तक, सात जन्म के पहले वो सोतापन व्यक्ति अरहत्व को प्राप्त करेंगे। अरहत्व मतलब मन की राग द्वेष मोह पूरा खत्म करेंगे सात जन्म के अंदर। हम लोग इस जन्म से लेकर अगले जन्म तक क्यों जाता है? हम लोगों के पास तृष्णा है, तृष्णा मतलब इच्छा, ये इच्छा यानी कि तृष्णा हम लोगों के पास है, तब इसी जीवन से लेकर अगले जन्म तक मरने का तुरंत जन्म लेता है, क्यों? तृष्णा है। अगर तृष्णा नहीं है तो वापस हम लोग अगले जन्म जाएगा नहीं। अरहंत लोग तृष्णा खत्म कर देता है। सबसे पहले कौन जगह है? श्रद्धानुसारी, श्रद्धा में आगे विश्वास में। दूसरा धम्मानुसारी, यानी कि प्रैक्टिस कर रहा है भगवान बुद्ध की रास्ता, जितना जानता है उतना प्रैक्टिस करता है बस। कोई कोई लोग सोचता है हमको बहुत चाहिए जानकारी, बहुत चाहिए, इंतजार करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, बहुत ज्ञान आने तक इंतजार करते रहता है, ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध ने बताया अगर थोड़ा भी जान गया तो प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उतना काफी है। इसके बाद वो प्रयास करता है, उनको क्या कहता है? धम्मानुसारी। वो दोनों सोतापन हो, बिना सोतापन हो कि नहीं मरता है, भगवान बुद्ध ने बताया। धम्मानुसारी व्यक्ति क्या होता है? ये सत्य को समझ लेता है। आत्मदृष्टि नहीं, ना ही शक, ना ही गलत व्रत, वो सोतापन है। सोतापन व्यक्ति कितना जन्म के अंदर अरहत प्राप्त करते हैं? सात जन्म के अंदर। इसके बाद दूसरा है, इस सोतापन व्यक्ति सकदागामी होता है। सकदागामी मतलब सकाय दिट्टि नहीं, विचिकिच्छा नहीं, शीलबद्ध परामर्श नहीं, यानी कि आत्मदृष्टि नहीं, शक नहीं, गलत व्रत नहीं है, और उनके पास और दो गुण नहीं है, काम राग पटिघ,
काम राग मतलब पंच काम पे आसक्त होना तथा घृणा होना नहीं, वो सकदागामी। इसके बाद अनागामी, अनागामी के पास कामराग पट्टी के सकदागामी व्यक्ति पास पूरा खत्म नहीं होता है, बैठ जाता है। अनागामी व्यक्ति के पास आत्मदृष्टि नहीं है और शक नहीं है, गलत व्रत नहीं है, एवं सकदागामी के पास कामराग पट्टी के बैठ गया ना, पट्टी के मतलब घृणा होना, पट्टी के घृणा होना, कामराग मतलब पंच काम पे आसक्त होना, वो थोड़ा थोड़ा है सकदागामी के पास। सकदागामी व्यक्ति एक बार मनुष्य लोक में आता है तब अरहत प्राप्त करता है। इसके बाद अनागामी, अनागामी व्यक्ति के पास भी वही पांच कारण, लेकिन कामराग पटिग दोनों खत्म, ब्रह्मलोक में सीधा वो जाता है, वह ज्ञान प्राप्त करेंगे या तो फिर मनुष्य लोक में नहीं आएंगे, सीधा वह ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके बाद अरहत, अरहत मतलब सब कुछ नहीं, काम राग पाटिग सकाय दिट्ठि विचिकिच्छा सीलबद्ध परामास उद्धच्च अविद्या, कुछ भी नहीं, गंदगी सब खत्म हो गया है, मन की गंदगी, वो अरहत है, वो कहीं जन्म नहीं लेता है, जन्म खत्म। तृष्णा का जन्म को जोड़ने वाली धागा है तृष्णा, धागा काट दिया जुड़ जाएगा नहीं, खत्म, कहीं रहेगा कहीं नहीं रहता है, खत्म। फिर सांसारिक दुख सब खत्म हो जाता है। तो ऐसा मार्ग पे आए हुए भगवान बुद्ध के आर्य श्रावक, अभी आपको साफ समझ में आ गया, मार्ग पे आए हुए आर्य श्रावक बहुत बहुत क्या सोच के रहना चाहिए, बहुत बहुत क्या सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया, महानाम यो सो महानाम आर्य श्रावको आगत फलो विज्ञात शासनो सो इमिना विहारेन बहुलं विहरतीति। महानाम तथागत भगवान बुद्ध की शासन को जो पहचान लिया है, मार्ग पे आया है, ऐसा आर्य श्रावक हमेशा इस प्रकार रहना चाहिए। छह प्रकार बताया, पहला है इद महानाम आर्य श्रावको तथागतं अनुसरति, मतलब क्या है, तथा वो आर्य श्रावक बहुत बहुत क्या करता है, तथागत भगवान बुद्ध के बारे में मनन करता है। कैसे, सो भगवा वो तथागत भगवान बुद्ध अरहं, अरहं है, अरहं मतलब सारी गंदगी को खत्म कर दिया, सम्मा संबुद्ध है, यानी कि बिना गुरु की उपदेश से चार आर्य सत्य को प्राप्त किया, विद्याचरण संपन्न है, उनके पास विद्या है तथा उस विद्या के साथ सुंदर आचरण है, सुगत है, सुगत मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपना के निर्वाण को प्राप्त किए हैं, लोक विदु हैं, सारे लोकों के बारे में अच्छी तरह जान गए हैं, अनुत्तरो पुरुष दम सारथी हैं, सारे लोगों को सुधारने वाले उत्तम गुरु सत्ता देव मनुष्यानं है, मतलब तथागत सारे देव मानव का गुरु है, बुद्ध है, जो जानना है सब कुछ जान गया, इसके बाद वो मार्ग सभी लोगों को दिखाया, इसलिए बुद्ध कहते हैं। अंतिम गुण नवमा गुण भगवा, भगवा मतलब अनगिनत गुण लेके रहते हैं और अनगिनत प्रज्ञा है उनके पास तथा महाकारुणिक है, इसलिए भगवा कहते हैं। ये नौ गुण हमेशा मनन करना चाहिए ना, भगवान बुद्ध ने बताया, कौन आर्य श्रावक लोग धर्म पे आए हैं, वही आर्य श्रावक लोग छह कारण मनन करना चाहिए हमेशा। छह में से पहला भगवान बुद्ध के बारे में आंख बंद करके सोचना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, आंख कैसा है, बाल ओठ कैसा है, ललाट कैसा है, ऐसे अरहं है भगवान बुद्ध,
राग को खत्म कर दिया है, द्वेष को खत्म कर, ऐसे करके उनका गुण सोचना चाहिए, नो गुण। इसके बाद क्या होता है, तथागत भगवान बुद्ध को ये बुद्धानुस्सति करने, ये बुद्धानुस्सति है, बुद्धानुस्सति करने से भगवान बुद्ध के प्रति पूरा विश्वास उत्पन्न होता है। भगवान बुद्ध को अच्छी तरह से पहचान के दिल से उनके शरण में जाते हैं। बुद्धानुस्सति ध्यान से भगवान बुद्ध ने बताया, यस्मिन् महानाम समये आर्य श्रावको तथागतं अनुसरति, जब आर्य श्रावक तथागत भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध के बारे में मनन करता है, तब ये चीज हो जाता है। जब भगवान बुद्ध के बारे में मनन करता है तब न राग पर्युत्थितं चित्तं होति, उसी समय उसका मन राग से पीड़ित नहीं होता है। जब भगवान बुद्ध के बारे में मनन करता है तब उसी समय मन में राग उत्पन्न नहीं होती है। न दोष पर्युत्थितं चित्तं होति, दूसरा क्या है, द्वेष क्रोध मन में नहीं आता है भगवान बुद्ध के बारे में मनन करते रहते समय। न मोह पर्युत्थितं चित्तं होति, मोह डर भय मन में नहीं आता है। तीन, चौथा है, तथागत भगवान बुद्ध के बारे में उनका मन एकदम सीधा होता है। सीधा होता है मतलब एकदम क्लियर होता है, साफ होता है भगवान बुद्ध के प्रति अपना मन एकदम साफ होता है। इसके बाद पांचवा है, तथागत भगवान बुद्ध के बारे में मनन करने से वो अपना जीवन का यथार्थ, जीवन का सत्य को समझ लेता है। ऐसे करने से क्या होता है, धर्म समझने से उनको, उनका सारे, उनको एकदम प्रबोध होता है, शरीर प्रबोध होता है मतलब जागृत होता है। जागृत होता है मतलब क्या है, ऐसे करके हम लोग साधना करता है ना, प्रबोध होता है मतलब एकदम शरीर एकदम सीधा हो जाता है, अपने आप एकदम अच्छा लगता है। नींद नींद वगैरह कुछ नहीं है, एकदम शांत वैसा होता है शरीर, जागृत होता है भगवान बुद्ध के बारे मनन करने से। इसके बाद क्या होता है, प्रमोदितस्य प्रीति जायते, इस शरीर प्रबोध होने के बाद प्रीति उत्पन्न होता है। प्रीति मनस कायो पसंभति, प्रीति उत्पन्न होने के बाद उनका शरीर हल्का हो जाता है, एकदम एकदम हल्का है, रुई जैसा हो जाता है शरीर। पश्चाद काय सुखंग वेदयति, शरीर हल्का होने के बाद शरीर में सुख मिल जाता है। सुखिनो चित्तं समाधयति, शरीर में सुख मिलने के बाद क्या होता है, समाधि मिलता है। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथी ध्यान। इसके बाद वो ऐसा होने के बाद कैसे जीवन बिताते हैं, कई प्रकार की घटना दुर्घटना विचार के साथ रहने वाले जनता के बीच में शांति से रहता है। पीड़ा सहित जनता के साथ वो पीड़ा रहित होता है, बिना पीड़ा के होता है। धम्म सोतन समापन, धर्म की रास्ता पे घुस जाता है। बुद्धानुस्सति, बुद्धानुस्सति भावेति, वो बुद्धानुस्सति ध्यान करने वाला है। समझ गया क्या है, बुद्धानुस्सति ध्यान जो करता है उसका मन में राग उत्पन्न नहीं होता है, द्वेष उत्पन्न नहीं होता है, डर भय मोह वगैरह उत्पन्न नहीं होता है,
इसके बाद भगवान बुद्ध प्रति उनका मन सीधा होता है। इसके बाद भगवान बुद्ध के बारे मनन करते रहते समय धर्म की जानकारी आ जाता है। इसके बाद धर्म की जानकारी आने के बाद पूरा मन प्रबोध जागृत होता है, प्रमुदिता से पीत जायते। ऐसा प्रबोध उत्पन्न होने के बाद प्रीति उत्पन्न होता है। प्रीति मनस कायो पसंबति, प्रीति उत्पन्न होने के बाद शरीर को हल्का हो जाता है। पसद कायो सुखंग वेदयति, शरीर हल्का होने के बाद सुख मिल जाता है पूरा शरीर में। सुखी नो चित्तं समाधयति, ऐसा शरीर में सुख आने के बाद समाधि मिलता है। ये है समाधि का सिस्टम। ध्यान करने का तो आप लोग को पता चलेगा कैसे कैसे होता है। ऐसे रहने वाले व्यक्ति अलग अलग प्रकार की झगड़ा वगैरह होने वाली दुनिया में शांति से रहता है। पीड़ा सहित जनता के बीच में बिना पीड़ा के रहता है एकदम अच्छा से। वो धर्म की रास्ता पे आ जाता है, बुद्धानुसति ध्यान करता है। ऐसा है तो हमेशा वो क्या करता है, भगवान बुद्ध के बारे में मनन करते रहता है। कौन? मार्ग पे आए हुए व्यक्ति। नए लोग को समझ में नहीं आता ना भगवान बुद्ध के बारे में, कोई जानता नहीं है, लोग सोचेगा ये कौन है, हम क्यों सोचेंगे। उन लोग को ये नहीं है, धर्म के रास्ते पे आए हुए लोगों को ही। दूसरा है, भगवान बुद्ध ने बताया, आर्य श्रावक निरंतर तथागत भगवान बुद्ध की धर्म के बारे में मनन करते रहता है। पहला भगवान बुद्ध के बारे में, दूसरा भगवान बुद्ध की धर्म के बारे में मनन करता है। कैसे? स्वाकातो भगवता दम्मो, तथागत भगवान बुद्ध अच्छी तरह ये धर्म बताया, ये धर्म एकदम पवित्र है। ये धर्म का शुरू मध्यम अंत एकदम पवित्र है। आप इस धर्म में प्रसन्न मन से शुरुआत हो गया तो, यानी किसी धर्म पे आ गया तो आपका जीवन खत्म होने तक कोई गड़बड़ नहीं होगा। इतना फ्रेश, इतना शांति मिलता है। इसीलिए इस धर्म को कहता है स्वाकातो भगवता धम्म। संदिट्ठिको मतलब इस जन्म में फल मिल जाता है, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद भी मिलता है, लेकिन इस धर्म का फल इसी जन्म में मिलता है, आज से ही मिलता है। तुरंत जस्ट इसका रिजल्ट मिल जाता है, इसीलिए संदिट्ठिक कहते हैं। देखिए आप लोग आश्रम में आके भी रहते हैं ना, घर जैसा है क्या? एकदम मन शांत है, अच्छा लगता है, आप लोग से पाप नहीं होते हैं, इसके बाद आप लोग से कोई गंदगी काम नहीं होता है, एकदम फ्रेश रहते हैं। घर में ऐसे नहीं रह सकता, धर्म की रास्ता पर रहने से तुरंत फल मिल जाता है, संदेह ठीक है। इसके बाद भगवान बुद्ध की धर्म अकालिक है। अकालिक मतलब समय समय पर धर्म बदलता नहीं है। ये धर्म समय समय पर बदलता नहीं, हर समय में इस धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसीलिए इस धर्म को कहता है अकालिक। कोई कह दिया तो भगवान बुद्ध के समय में ऐसे कि आज कौन करेगा, ऐसा नहीं, आज भी ये धर्म जिंदा है, मेहनत करेगा तो आज भी इसका फल भोग सकता है। इसके बाद यही पासिक मतलब किसी को भी आकर के देख सकता है इस धर्म पे, किसी को भी इस धर्म में आ सकता है, लेकिन उनको एक चाहे बुद्धि चाहिए। बुद्धि किसके पास है? जो पढ़ा लिखा है उन लोग के पास नहीं, जो पुण्यवान है। शायद वो भिखारी हो सकता है, झोपड़ी में रहता होगा, काका गगा पढ़ने नहीं आता होगा, शायद पढ़ाई लिखाई भी होगा, बुद्धि है तो ये धर्म पकड़ सकता है। इसीलिए वैसा किसी को भी इस धर्म पे आके
किसी धर्म को देख सकता है, यही पासिक है। इसके बाद ओपनायिक पंचमा गुण। ओपनायिक मतलब ये धर्म अपना जीवन से देखना चाहिए। कैसे बोलते हैं, सब कुछ अनित्य है। हम लोग सोचेगा तो पूरा धरती अनित्य, ऐसा नहीं। अपने के बारे में, ये मेरा जीवन का सब अनित्य है, अपना जीवन से देखना चाहिए ये धर्म। दूसरों का जीवन से देखने गया तो खत्म है ना। आप लोग प्रवचन देते समय सोचेंगे तो हाँ उस उन लोग के लिए देते, हम तो ये जानते हैं, एकदम प्रॉब्लम है। समझना चाहिए सिर्फ मेरे लिए ये प्रवचन देते हैं भंते जी, आज मेरे लिए ज्ञान बताते हैं, मेरा मन मजबूत होने के लिए बताते हैं। अपना जीवन में डाल के देखना चाहिए, इसीलिए इस धर्म को कहता है ओपनायिक। बाकी धर्म ऐसा जरूरत नहीं, बाकी जो चाहे मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई जैन कोई भी धर्म के लिए बुद्धि चाहिए। एक पूल पेट जा करके रखना है, बिना काके उपवास करना बुद्धि चाहे उसके लिए नहीं। जा करके सूर्य जी को पूजा करना है बुद्धि चाहे उसके लिए नहीं। जा करके नोम भी करना है मुस्लिम है तो, एक महीना बिना काके रहना है बुद्धि चाहे उसके लिए नहीं। इसके बाद जाकर के मंत्र पढ़ना है बुद्धि चाहिए नहीं। जाके आरती उतारना है बुद्धि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शरीर चाहिए जाने के लिए और पैसा चाहिए फल वगैरह खरीदने के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध की रास्ता पे ऐसा नहीं है, सिर्फ बुद्धि है तो जा सकते, नहीं तो नहीं। समझने वाला है तो जा सकता है, नहीं तो नहीं। बाकी किसी को नहीं जा सकते, इसीलिए भगवान बुद्ध के रास्ता पे बहुत लोग जाते हैं, थोड़े लोग जाता है, दम थोड़ा लोग जाते हैं, बहुत लोग को नहीं जा सकता है। क्यों? बुद्धि नहीं है। बाकी धर्म में लाखों करोड़ों नाचता है गाता है बजाता है पूजा करता है आरती उतारता है चिल्लाता है, पूरा शांति है ही नहीं है, पूरा गड़बड़ करोड़ों लोग। क्यों? बुद्धि चाहिए नहीं, इसीलिए उस धर्म में नचना गाना बजाना आ गया। लेकिन भगवान बुद्ध की धर्म नचना गाना बजाना नहीं, ये अपना जीवन के साथ जोड़ के जानने वाली चीज है भगवान बुद्ध की रास्ता। इसीलिए इस धर्म को कहते हैं ओपनायिक। छठा गुण है पच्चतंग वेदिताबो विन्योही। जितना आपके पास प्रज्ञा है उतना ही ये धर्म पकड़ सकता है। इसका मतलब इधर सारे लोग हैं, बच्चे लोग आप सभी लोग हैं, बराबर धर्म को धर्म की ज्ञान पाएगा या तो फिर समझेगा या तो फिर अलग अलग प्रकार समझेगा, अलग अलग है ना। कोई बच्चा ज्यादा समझ लेगा, कोई बच्चा कम। किसी का योनिसो मनसिकार बहुत अच्छा है, ज्ञान से मनन बहुत अच्छे से करता है, कोई कोई ज्ञान से मनन थोड़ा कर सकता है, किसी को समझ में नहीं आता है, फर्क है ना एक दूसरे से। इसीलिए ये धर्म के लिए जितना ज्ञान प्रज्ञा है उतना ही धर्म पकड़ सकता है। इसी धर्म में है आर्य अष्टांगिक मार्ग, चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य मतलब क्या है? आर्य सत्य ध्यान से सुनिए। पहला आर्य सत्य है दुख। दुख क्या है? जन्म लेना दुख है। जन्म लेना दुख क्या है? जन्म लेने से सारे परेशान होता है ना। अगर जन्म नहीं लिया तो कोई परेशान नहीं है क्या? जन्म कहाँ कहाँ होता है? जानवरों में, प्रेतों में, मानवों में, देवताओं के पास जन्म लिया तब भी परेशान। हर जगह जन्म तो दुख ही है। तो आपको कभी ना कभी दुख मिल गया तो परेशान ना गया तो तुरंत सोचना चाहिए भगवान बुद्ध ने सही कहा, जन्म लेना दुख है। तुरंत मन में आना चाहिए दुख आ गया तो। इसके बाद बीमार पड़ता है, बीमार पड़ना दुख नहीं है क्या? ये पहला आर्य सत्य, बीमार पड़ता है, बीमार पड़ना दुख है। बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने से मजा आता है, हाँ हाँ बहुत अच्छा लगता है, आप बूढ़ा हो रहे हैं, अरे देखो मेरा बाल पक रहा है, अच्छा लगता है, मजा आता है, अरे मेरा एक भी दांत नहीं, देखो ना, ऐसे करके मजा आता है नहीं, दुख मिलता है। बूढ़ा होने से लोग को दुख आ जाता है, वो भी आर्य सत्य है, पहला आर्य सत्य।
पहला असत्य का और कारण क्या है? प्रिय चीजों से विदा होता है। प्रिय लोग कौन है? अपने परिवार, दोस्त, बाल बच्चे, उन लोग से विदा होता है। कैसे? छोड़ के विदेश चल जाता है, या तो फिर दूसरा जगह जाता है, तो दुख मिलता है ना विदा होने से, या तो फिर हमेशा के लिए विदा होता है, मार के दुख मिलता है ना। आपका कोई बहुत दोस्ती है, बहुत पक्का दोस्त, वो दोस्त आपको छोड़ के दूसरा जगह जाएंगे, आपको सुखी मिलेगा, हाँ बहुत शांति शांति शांति, ऐसे आएगा, बहुत परेशान, खाना नहीं खा पाते आपसे, हम उसको कैसे देखेंगे, पता नहीं वहां कैसे रहेगा वो, ऐसे दुख मिल जाता है। प्रिय लोग से विदा होना दुख, घर भी प्रिय है ना अपना, अपना जमीन प्रिय, अपना गाड़ी भी प्रिय है। सोचिए आप लोग के पास एक साइकिल है, प्रिय चीज है, कोई बच्चा साइकिल चोरी चोरी किया, मजा आएगा, हाँ बहुत अच्छा लगता है, मेरा साइकिल कौन था चोरी किया रे, ऐसे खुशी होता है, लोग कहेगा पागल हो गया लगता है, दुख मिलता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, जो चाहता है वो नहीं मिलना दुख है, जो पसंद है वो नहीं मिलना दुख है। क्या पसंद है? सोचिए आपको एसी पसंद है लेकिन एसी नहीं मिलता है, वो दुख है? नहीं, वो दुख तो खत्म होता है एसी मिलने के बाद, ये दुख कभी खत्म नहीं होता है। क्या पसंद है? हम लोग पसंद करते हैं बिना मार के रहने के लिए, हम लोग पसंद करते हैं बिना बूढ़ा हो के रहने के लिए, हम लोग पसंद करते हैं बिना बीमार पड़ के रहने के लिए, कोई कोई लोग पसंद करते हैं बिना जन्म लेके रहने के लिए, लेकिन होता है क्या? नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जो सोचता है वो नहीं होता है। क्या होता है? जरूर मर जाता है, बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है, जन्म लेता है, ये भी दुख है। ये पहला आर्य सत्य, आर्य सत्य मतलब दुनिया का असली सत्य, ये दुनिया में होता है कि नहीं? सब कुछ, जो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म के हो, सबको लागू है ना ये। ईसाई धर्म के लोग कहता है हम लोग को बीमार ठीक करवा सकता है, ऐसे के लिए घर घर में आता है, इधर भी आता होगा, झारखंड में पूरा आ गया है, श्रीलंका में भी ऐसे आया है, आके कहता है ईसाई धर्म के लोग हम लोग बीमार ठीक करवाएंगे, आप लोग अपना धर्म छोड़ दीजिए, हम लोग का धर्म में आइए, ऐसे कहते हैं ना। दुनिया में सबसे ज्यादा एचआईवी एड्स बीमार के लोग रहता है अफ्रीका में, एक देश में अफ्रीका में, वो पूरा देश ईसाई का है, कि उन लोग का बीमार ठीक नहीं होता है, प्रॉब्लम है ना। इसका मतलब क्या है? कभी भी किसी को बीमार खत्म कर सकते, ऊपर वाला को भी नहीं। बीमार तो पड़ता ही है मरने दम तक। बीमार से बचना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जन्म को खत्म करना पड़ेगा। अगर बीमार कम करना चाहिए तो दूसरों को कष्ट परेशान नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, प्रिय लोग से विदा होना दुख है, अप्रिय लोग से संगत करना भी दुख है। अप्रिय लोग को ने अपना दुश्मन हो, या तो फिर आप लोग को जिस जगह पसंद नहीं है वहां पे रहना दुख है ना, वो जिस लोग आपके साथ नाराज है, पसंद नहीं, उन लोग के साथ रहना दुख है। अप्रिय लोग के साथ संगत करना दुख है, प्रिय लोग से विदा होना दुख है। अंत में उन्होंने कहा, पांच उपादान स्कंद भी दुख है, रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान, पांच उपादान स्कंद दुख है। ये है पहला आर्य सत्य, समझ में आ गया? समझ में आ गया है? ये पहला आर्य सत्य। आर्य सत्य मतलब क्या है? दुनिया में जो होता है वो सत्य। इसमें भगवान बुद्ध अपने तरफ से कोई नया दिखाया है नहीं, इस दुनिया में जो होता है वही दिखाता है। देखिए कितना नेचुरल है, बुद्धिज्म है ना, भगवान बुद्ध का ज्ञान एकदम स्वाभाविक है, पर्यावरण के साथ, दुनिया के साथ मिलता है। दूसरा आर्य सत्य है समुदय, यानी कि ये दुख उत्पन्न होने का कारण है, वो दूसरा आर्य सत्य। ये सारे दुख उत्पन्न होने का कारण है तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा, तीन प्रकार की इच्छा है,
पहला इच्छा है काम इच्छा। काम इच्छा मतलब ये सारे सुख संपद भोगते रहने का पसंद आता है। हम कोई सब चाहिए, घर द्वार चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब हमें चाहिए, पंच काम हमें हमेशा चाहिए, ऐसा इच्छा उत्पन्न होता है। या तो फिर ये सब कुछ पाके रहने का इच्छा। दूसरा इच्छा है भव इच्छा, हमको अगले जन्म में भी ये सब चाहिए, मेरा बाल बच्चे अगले जन्म में भी चाहिए, मेरा पति अगले जन्म में मिलना चाहिए, मेरा पत्नी अगले जन्म में भी चाहिए, मेरा गुरु अगले जन्म में भी चाहिए, मेरा दोस्त अगले जन्म में भी चाहिए, ऐसा करके और ये पंचकाम ये संपत्ति को फिर प्रार्थना करता है अगले जन्म में भी चाहिए। वो क्या है? भव तृष्णा। जो तीसरा है विभव तृष्णा। किसी को कभी कभी परेशान आता है, कैसे पति मार दिया कसके, ये सा पति जन्म जन्म में नहीं चाहिए सोचता है, वो भी एक इच्छा है ना। कभी कभी बहुत बीमार पड़ता है, बहुत बीमार पड़ने पर बोलता है हमको जन्म नहीं चाहिए, वो भी एक इच्छा है। ऐसा सोचने पर जन्म खत्म होता है क्या? उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ये दूसरी आर्य सत्य, पहला आर्य सत्य आप समझ गए, दूसरी आर्य सत्य भी समझ गया है क्या है? ये सारे दुख उत्पन्न होने का कारण इच्छा है। इच्छा मतलब प्यार। ऐसा है ना, हम आपको बताएं, एक लड़की को एक लड़का प्यार किया, लाइन बहुत मार के, लगभग 33,000 का वोट्स मार मार के प्यार करके वो भी लग गया 33,000 में, ये भी 33,000 में लग गया, दोनों 64,000 में लग के प्यार उत्पन्न हो गया, ठीक है लाइन से दोनों का। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करता है, जान देने के लिए तैयार। एक दिन ये लड़का देखा अपना गर्लफ्रेंड अपना लड़की दूसरा लड़का का हाथ पकड़ के जा रहा है, क्या हो गया होगा? एकदम शरीर अप्राण हो गया है, एकदम शरीर में ताकत खत्म हो गया। लड़की पास जाके नमन करके बताया, मेरे प्रेमी तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकता, तुमसे बिना हम कैसे जीवन जिएंगे, अगर तुम मिल जाओगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, वापस आओ, हट जाओ, आता है हमको अच्छा मिल गया, तुमसे ज्यादा अच्छा है, ऐसे करके। इसके बाद ये लड़का को बहुत दुख मिला ना, क्यों दुख मिला? इतना प्यार किया। देखिए भगवान बुद्ध ने बताना, इच्छा के कारण दुख उत्पन्न होता है। दुख का कारण क्या है? इच्छा, प्यार। इसके बाद ये लड़का ने क्या किया? मनन किया। जितना लड़की पर प्यार है सारे प्यार को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, लड़की के ऊपर एक बूंदा भी प्यार नहीं रखा। दूसरे दिन लड़का को दिखाई दे दिया ये लड़की और लड़का के साथ हाथ पकड़ के जा रही है, फिर दुख आ गया नहीं? क्यों? लड़की के ऊपर जितना प्यार था वो खत्म कर दिया है। वही सही है। कभी कभी आप लोगों का परिवार में कोई मर गया तो आपका भाई या बहन या आपका माँ पिताजी कोई मर गया तो दुख मिलता है कि नहीं? बहुत दुख मिलता है ना। आपका दोस्त कोई मर गया तो दुख मिलता है ना। अगर अमेरिका में कोई लोग मर गया, सोचिए 50 बच्चे लोग मर गया, कोई दुख मिलेगा? नहीं। हाँ मर गया है, अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे मर गया होगा? हाँ बाप रे बाप, ऐसे होता है ना, कोई दुख नहीं है। क्यों? उन लोगों के ऊपर प्यार नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन इन लोगों के ऊपर इच्छा है तब दुख मिलता है। सोचिए हम आप लोगों को मुलाकात होने के पहले मर गया तो कोई कहेगा, एक भांतेजा श्रीलंका से इंडिया आ रहा था, चेन्नई में एक्सीडेंट होके मर गया, आप लोग क्या है? एक भोटिया है। हाँ एक भोटिया है, विदेशी है, श्रीलंका का है, अच्छा अच्छा ठीक। कोई भी आएगा मन में? कुछ नहीं है। अगर अभी मर गया तो क्या भंत जी मर गया? एक्सीडेंट नहीं, नहीं हो सकता, ये स्वप्न है,
नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, अच्छा से गया होगा फ्लाइट से, दुख मिलता है ना, अभी मर गया तो क्यों? पहले प्यार नहीं था, अभी प्यार है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया, इच्छा से दुख उत्पन्न होता है, तृष्णा से, तृष्णा इच्छा प्यार सब एक ही है, समझ गया ना? दुख उत्पन्न होने का दूसरा कारण, दूसरा आर्य सत्य तृष्णा, तीसरा आर्य सत्य है दुख का निरोध। ये दुख खत्म कर सकता है, यानी कि तृष्णा इच्छा प्यार हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, वो भी एक तीसरा आर्य सत्य है। तीसरा आर्य सत्य क्या है? ये दुख संपूर्ण रूप से खत्म कर सकता है, ये तृष्णा प्यार लगाव इच्छा संपूर्ण रूप से खत्म मिटा सकता है, खत्म कर सकता है, वो तीसरा आर्य सत्य है। चौथा आर्य सत्य है, ये दुख खत्म करने के लिए एक रास्ता है, वो चौथा आर्य सत्य। वो रास्ता क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहला क्या है? सम्मादिट्ठि। सम्मादिट्ठि मतलब चार आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए वो अपना दृष्टि को फ्रेश करता है। सम्मादिट्ठि मतलब वही चार आर्य सत्य के लिए अपना दृष्टि सीधा करता है। कैसे? सम्मादिट्ठि में आता है, मिथ्या दृष्टि सब छोड़ देता है। मिथ्या दृष्टि मतलब पुण्य पाप विश्वास करता नहीं, नरक देवलोक विश्वास करता नहीं, माँ पिताजी के बारे में विश्वास करता नहीं, और निर्वाण के बारे में विश्वास करना करता, अगले जन्म पिछले जन्म के बारे में विश्वास करता नहीं, वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। सारी मिथ्या दृष्टि हटा के भगवान बुद्धि ज्ञान सुन के सम्मादिट्ठि में आता है, सब विश्वास करता है, तब वो मेहनत करता है विमुक्ति के लिए, वो है सम्मादिट्ठि। आर्य सत्य का प्राप्ति के लिए वो अपना दिमाग साफ करता है, सम्मादिट्ठि। दूसरा आर्य दूसरा मार्ग क्या है? सम्मा संकप। सम्मा संकप मतलब निर्वाण के लिए अपना अपना कल्पना चार आर्य सत्य के लिए तैयार कर देता है, चार आर्य सत्य के लिए अपना कल्पना को बना देता है। कैसे? पहला कल्पना क्या है? नेकम। नेकम मतलब पंच काम का खतरा समझ के वो समझता है, ये पंच काम त्याग किया तो बहुत अच्छा। पंच काम मतलब घर द्वार, पत्नी, बाल बच्चा, सुंदर सुंदर रूप, सुंदर सुंदर आवाज, सुंदर सुंदर गंध, खान पान, ये सब चीज से राग उत्पन्न होता है, इसीलिए पंच काम त्याग करना चाहे वो नेकम संकल्प। दूसरा संकल्प अव्यापाद संकल्प, वो कभी किसी को गुस्सा नहीं करता है, किसी पे क्रोध नहीं करता है, वो भी एक संकल्प है। तीसरा संकल्प है अविहिंसा संकल्प, कभी किसी को शरीर मन वाणी से पीड़ा नहीं करता है, अविहिंसा संकल्प, ये दूसरा मार्ग। तीसरा मार्ग है सम्मा वाचा। आर्य सत्य की प्राप्ति के लिए गलत ढंग से अपना वाणी को बनाता नहीं है, सही ढंग से अपना वाणी तैयार करता है। कैसे? वो झूठ बोलता नहीं है, वो चुगली नहीं करता है, वो कठोर वचन या तो फिर गाली नहीं देता है, चौथा वो फालतू बात नहीं करता है। आलतू फालतू बात करते रहता ना, ऐसा मजाक वगैरह करता नहीं है। आर्य सत्य की प्राप्ति के लिए, विमुक्ति के लिए, विमुक्ति के लिए वो क्या करता है? सत्य बोलता है, चुगली नहीं, बल्कि लोग मिलजुल के रहने वाले बात बोलते रहता है,
तीसरा प्रेम मीठा बात बोलते रहेगा। चौथा ज्ञान की बात हमेशा बोलते रहेगा, वो क्या है सम्मा वाचा। तीसरा का तीसरा मार्ग, चौथा मार्ग है सम्मा कम्मन्त। सम्मा कम्मन्त मतलब विमुक्ति के लिए अपना शरीर से होने वाले सारे पाप को हटा देता है। विमुक्ति के लिए अपना शरीर से होने वाले पाप क्या है, वो व्यभिचार नहीं करता है, इसके बाद हत्या नहीं करता है, इसके बाद चोरी नहीं करता है, नशा वगैरह नहीं करता है, शरीर से पाप नहीं करता है, शरीर साफ रखता है, ये क्या है सम्मा कम्मन्त। अपना शरीर से होने वाले सारे गलती को हटा के दूसरों का कल्याण के लिए वो बोल काम करते रहता है, वो क्या है सम्मा कम्मन्त। इसके बाद पंचमा है सम्मा आजीव। अपना जीवन गंदा करने वाले कार्य नहीं करता है, वो अपना जीवन पवित्र करने वाले कार्य करता है। अपना जीवन गंदा करने वाले कार्य क्या है, दांडी मारना, चोरी करके जीवन बिताना, दारू बेचना, मांस बेचना, वैसा वैसा काम, इसके बाद लूटना, ठगना, धोखा देना, झूठ बोल के पैसा कमाना, ये गलत ढंग से जीवन बिताता है ना, वो नहीं करता है। सही ढंग साधारण ढंग से एक अच्छा व्यक्ति जैसा वो जीवन बिताता है, किसी लिए निर्वाण के लिए, विमुक्ति के लिए। इसके बाद छठा है सम्मा वायाम। सम्मा वायाम चार प्रकार का है। पहला वायाम मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब क्या है, व्यायाम मतलब वीर्य। आप लोग व्यायाम जानते हैं ना, एक्सरसाइज, ये भी सम्मा एक्सरसाइज है, अच्छा एक्सरसाइज, व्यायाम है, अच्छा व्यायाम। पहला व्यायाम है, पहला व्यायाम है अपना मन की गंदगी को, अभी अपना पास गंदगी है ना मन में, वो गंदगी को खत्म करने का मेहनत। दूसरा व्यायाम है अपना मन में अभी तक थोड़ा थोड़ा पुण्य है, थोड़ा थोड़ा सील रख सकता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान कर सकता है, वो क्या करता है बढ़ाने का मेहनत। थोड़ा अगर 5 मिनट ध्यान करने का कर सकेगा तो वो क्या करेगा 10 मिनट तक करेगा, ऐसा करके अपना गुण और बढ़ाएगा। अपना पास थोड़ा थोड़ा दान देने का आदत है, वो बहुत देता है, फिर ऐसा आदत अपना पुण्य बढ़ाने का, पाप को मिटाने का। तथा कोई कोई पाप गंदगी अब तक उत्पन्न नहीं हुआ है ना, संसार में तो अरबों करोड़ों गंदगी है, फिर हम लोग का मन में कुछ गंदगी है, अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ कोई कोई गंदगी, ऐसा गंदगी को उत्पन्न होने नहीं देता है, वो भी तीसरा व्यायाम मेहनत है। चौथा मेहनत है, अभी तक अगर आप पहली ध्यान में नहीं आया तो आपके पास ध्यान नहीं है, वो ध्यान को पाने का मेहनत। अगर आप अभी तक सोतापन्न नहीं हुआ तो सोतापन्न होने के लिए पटिसंपाद मनन करने का मेहनत, ऐसा करके अपना पास अभी तक जो गुण नहीं है वो गुण को पाने का मेहनत, वो सम्मा वायाम। इसके बाद सातवां है सातवां मार्ग सम्मा सती। सम्मा सती मतलब सतिपट्ठान में रहना है, हमेशा होश में रहना है, हमेशा ये हमेशा अपना आचरण के बारे में, कार्य के बारे में ध्यान दे के रहना, वो है सम्मा सती। हमेशा ध्यान से रहना ताकि मेरा मन में राग द्वेष मोह इत्यादि गंदगी उत्पन्न नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए मन में गंदगी। उसी प्रकार वो रहता है हमेशा ध्यान से, कब मेरा मन में गंदगी आएगा, आने नहीं देगा, एकदम सावधानी से जीवन बिताते, वो क्या है सम्मा सती। आठवां मार्ग है सम्मा समाधि। सम्मा समाधि मतलब वो ध्यान करता है। सम्मा सती में आता है ये आँख कान नाक जीव शरीर मन है ना,
जो इंद्रिया में रूप शब्द गंध रस स्पर्श विचार आने के बाद राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होने देता है। आठवां है सम्मा समाधि, यानी कि ध्यान करके पहला समाधि मिलता है, दूसरा समाधि मिलता है, तीसरा समाधि मिलता है, चौथी समाधि मिलता है। ये है सम्मा समाधि। ये निर्वाण की प्राप्ति के लिए ये चार आर्य सत्य, पहला आर्य सत्य क्या है, दुख, आप समझ गए दुख क्या है, है ना। दूसरा दुख का कारण क्या है, तृष्णा इच्छा प्यार लगाव। तीसरा आर्य सत्य क्या है, दुख हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चौथा आर्य सत्य क्या है, दुख को खत्म करने का आरिष्टांगिक मार्ग है, इस मार्ग से अलावा और मार्ग नहीं है। ऐसा है तो अगर जो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म का हो, उसको अगर विमुक्ति चाहिए तो इस मार्ग पे आना पड़ेगा। सोचिए यहां से वज्रासन के पास जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, बाकी रास्ता पे गया तो मर जाएगा, नहीं जा सकता है। एक व्यक्ति आके बताया हम इसी रास्ता से नहीं जाएंगे, अपने रास्ता पे जाएंगे, जा पाएगा नहीं, जो बनाए उसी रास्ता से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो जीवन का खतरा है, जरूर मर जाएगा, नहीं जा पाएगा। वही सही है, विमुक्ति के लिए सिर्फ एक मार्ग है, आरिष्टांगिक मार्ग अभी बताया ना, और मार्ग नहीं है, समझ गए ना। ऐसे करके धर्म के बारे में मनन करता है वो है धम्मानुस्सति। अभी दो बताया, तीसरा है मार्ग पे आए हुए आर्य श्रावक लोग आर्य महासंघ के बारे में मनन करता है। सुपटिपन्न कैसे, वो आर्य महासंघ सोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहत है, या तो फिर सोतापन्न के लिए मेहनत करते हैं। ऐसा श्रावक संघ सुपटिपन्न है, सुपटिपन्न मतलब, सुपटिपन्न मतलब राग द्वेष मोह को मिटाने के लिए मेहनत करता है भगवान बुद्ध की, श्रावक शिष्य लोग, इसलिए उन लोगों को सुपटिपन्न कहता है। सुपटिपन्न मतलब क्या है, राग द्वेष मोह मिटाने के लिए मेहनत करता है। दूसरा है उजुपटिपन्नो, उजुपटिपन्न मतलब भगवान बुद्ध के शिष्य श्रावक लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपनाया है विमुक्ति के लिए। पहले हम बताए आठ मार्ग, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग आर्य महासंघ भी अपनाया, उजुपटिपन्न। तीसरा न्याय पटिपन्न, चार आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, इसीलिए महासंघ कहते हैं न्याय पटिपन्न। चौथा है सामीची पटिपन्न, सामीची पटिपन्न मतलब अपना ज्ञान की रास्ता पे जाते हुए सारे देव मानव प्रति दया करके उन लोगों को भी ये ज्ञान की रास्ता बताते हैं, इसलिए न्याय पटिपन्न। चार पंचमा है आहु नहीं है, ऐसा आर्य महासंघ को दूर से दान पुण्य करने में योग्य है, दान पुण्य से सेवा करने में योग्य, दूर से आके अमेरिका से देवलोक से दूर से आकर के देने में सर्वश्रेष्ठ कौन है, आर्य महासंघ, ऐसे महासंघ। नहीं तो बहुत लोग सोचते मेरा माँ अमेरिका में जाएंगे खाना थोड़ा खिलाने के लिए, पुण्य मिलेगा, मिलता है लेकिन थोड़ा, ऐसा दूर जाके देना है तो किनको देना है, आर्य महासंघ के लिए। दूसरा पाहु नहीं है, आगंतुक जैसा समझ के दान देने में सर्वश्रेष्ठ आगंतुक अतिथि कौन है, महासंघ है, सर्वश्रेष्ठ अतिथि महासंघ है, महासंघ बनते लोग संत लोग भगवान बुद्ध के शिष्य लोग। इसका दाखी नहीं है, दाखी नहीं है मतलब पुण्य कमाने के लिए, अगर सबसे ज्यादा पुण्य कमाना चाहेंगे तो महासंघ के लिए दान देना है, ऐसा महासंघ सिर्फ दान नहीं, ऐसा महासंघ को सेवा करना है, सेवा करने सबसे ज्यादा दुनिया में पुण्य मिल जाता है। अंजलि करनी है, पूजा वंदना करने में सर्वश्रेष्ठ है ये आर्य महासंघ। इसके बाद
अनुत्तरम पुण्य खेतन लोकस पूरे संसार को पुण्य कमाने के लिए खेत जैसा है। खेत जैसा मतलब खेत में एक केजी धान रोप दिया तो कितना उपजाव होता है, एक केजी 100,000 गुना करके मिलता है ना, वैसा महासंघ खेत जैसा है। छोटा मोटा है क्या? एक बूंदा भी छोटा मोटा नहीं है। वो महासंघ कौन है? अरहंत महाकाश्यप बांते जी, अरहंत सारिपुत्त बांते जी, अरहंत महामोग्गलन बांते जी, इत्यादि मार्ग पे आए हुए बांते लोग महासंघ है। ऐसे महासंघ को आप कुछ भी एक चावल दाना पूजा करिए, अनगिनत पुण्य मिल जाता है। जानते हैं ना एक अंकुर देवता का कहानी, एक चम्मच दे करके बगल में ही वो लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके दान दे करके पीछे ही, सुना है ना फर्क पड़ता है ना। इसीलिए आप लोग महासंघ के लिए दान देने में पीछे मत हो जाइए, ऐसा लाभ कभी नहीं मिलता है। अभी जो श्रीलंका लोग आ गया ना, कोई लोग उन लोग श्रीलंका से 3 महीना पहले से प्लान करके आ गया है खाल संघ दान देने के लिए। देखिए कितना पहले प्लान करके उसके लिए आए बोध गया में संघ दान देने के लिए, इतना दूर से श्रीलंका से फ्लाइट से आकर के। आप लोग बगल में आप लोग सटा हुआ है कि आप लोग कैसे देना चाहिए ऐसा उन लोग को, क्यों श्रीलंका में उन लोग को मौका नहीं मिलता है, आश्रम में जाता है भोजन दान देने के लिए, बताते आज है देने के लिए, कल भी है, पूरा एक साल के लिए, आपको 3 साल तक नहीं दे सकता है, 3 साल के बाद और 400-500 लोग लाइन में है, आपका नाम भी डाल देंगे, मौका नहीं मिलता है। हम लोग अपना घर के लिए, हम आश्रम का बनते जी हैं, अपना आश्रम के लिए एक दान लेना है, पूरा देख के हम आ गया 418 नंबर पे, हम आ गया सब सुबह भोजन दिन में भोजन हटा के फिर लाइन में 418 लोग है ना, 417 लोग हमसे आगे हैं दान लेने के लिए, इतना लाइन लगा हो, दान देने का जगह नहीं श्रीलंका में, हर एक आश्रम में इतना पुण्य करता है। गरीब लोग है ना, गरीब मतलब खाना मुश्किल से मिलता है, उन लोग हम लोग जाके बताते हैं, माँ आप लोग को बहुत मुश्किल दान देना, हम लोग को दीजिए ना प्लीज। नहीं, मेरा जान गया तब भी ये मौका हम नहीं देंगे, हम भीख मांग के दान दे देंगे लेकिन हम ये मौका किसी को नहीं देंगे, ऐसे कहते हैं। देखिए पुण्य करने वाले लोग है ना, इसीलिए उधर के लोग खा पी के रहता है वे एकदम। आप लोग श्रीलंका गया तो देख सकता है, वहां एक देखने में लगता है करोड़पति लोग जैसा, गरीब है लेकिन घर द्वार एकदम महल जैसा सबका बनाया हुआ है, गार्डन है, बगीचा है, हर एक घर में टेम्पो बाइक वगैरह कुछ ना कुछ गाड़ी भी है, लेकिन आप लोग से ज्यादा गरीब है। क्यों? उन लोग को जल्दी मिल जाता है, देता है ना, इसीलिए कि उन लोग देता है किन को? महासंघ को। श्रीलंका सीलवान गुणवान बांतिर पूरा भरा हुआ है, हजारों हजार है, मौका है। थाईलैंड के लोग कितना सुख सहन करते हैं, थाईलैंड में भी ना सीलवान गुणवान बांते लोग, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है दान देने में महासंघ। ऐसा महासंघ के बारे में मनन करके रहना चाहिए। देखिए सुप्पवासा को क्या हुआ, सुप्पवासा सोतापन्न थी, सुप्पवासा का पति भी सोतापन्न था, दोनों पति पत्नी दोनों सोतापन्न। सुप्पवासा राजकुमारी का पेट में एक बच्चा आया, 9-10 महीना गया, बच्चा उत्पन्न नहीं होता है, 1 साल गया फिर भी पेट में बच्चा है, अभी पेट दर्द देता है, 2 साल गया पेट में बच्चा बहुत कस के दुखता है, 3 साल गया बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सुप्पवासा ने क्या किया, पेट चूचू के भगवान बुद्ध के बारे में सोचा। भगवान बुद्ध के बारे में सोचने से क्या होता है, समाधि मिलता है ना, पीड़ा खत्म होता है ना, फिर पीड़ा खत्म होता है। 7 साल 7 महीना 7 दिन तक बर्दाश्त किया, अंत में सुप्पवासा का पति भगवान बुद्ध के पास जाके बताया, भगवान बुद्ध बताया सुप्पवासा सुखी हो, सुखी से अपना बच्चा पैदा करे, आराम से एक बूंदा भी दुख नहीं बच्चा पैदा किए हैं। क्यों 7 साल 7 महीने 7 दिन तक क्यों नहीं जा पाया,
एक पाप का कर्म सात साल सात महीना सात दिन तक रहा। इसीलिए उनका मन में नहीं आया पाप की फल से, देखिए पाप का फल से उनका मन में नहीं आया, उतना समय जाने तक भगवान भक्त को बताना है। देखिए पाप का फल है ना, वैसा हम लोग को भी होता है कभी कभी, कोई एक गलती हम लोग से होता है, कल्याण मित्र को बताया तो तुरंत सोचिए समाधि छोटा सा एक मिस्टेक से हम लोग का समाधि गड़बड़ है, हम लोग का पाप की वजह है पिछले जन्म में। कल्याण मित्र को बता दिया तुरंत शोल होता है, ये तीन चार पांच छह साल तक समाधि करता है कोई मतलब नहीं है, फिर 10 साल के बाद बोल दिया अरे सिंपल ऐसा करो ना, तुरंत ठीक हो गया। ऐसे होता है ना, क्यों नहीं बोल सकता है? पाप का कर्म उसको देता नहीं बोलने के लिए। ऐसा संघ के बारे में सोचता है, धर्म के बारे में संघ के बारे में सोचने से भी क्या होता है? पहला जैसा मतलब हाँ राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होता है। इसके बाद धर्म के प्रति संघ के प्रति मन सीधा होता है, धर्म मनन कर सकता है। इसके बाद प्रबोध उत्पन्न होता है, प्रबोध उत्पन्न होने से प्रीति उत्पन्न होता है, प्रीति उत्पन्न होने से सुखी शरीर हल्का होता है, शरीर हल्का होने से सुखी उत्पन्न होता है, शरीर सुख होने से समाधि मिलता है। वो है इस धरती पे अलग अलग प्रकार की झगड़ा वगैरह के बीच में शांति से रहता है तथा पीड़ा सहित जनता के बीच में बिना पीड़ा के रहता है, धर्म की रास्ता पे आता है, धम्मानुसति संगानुसति करता है। इसके बाद चौथा है वो सीलानी अनुसरति, सील के बारे में मनन करता है, अपना सील के बारे में। ऐसा है तो सील समाधि के लिए जरूरी है ना, समाधि के लिए सहायता करता है सील, समाधि के लिए बिना टूटे हुए पवित्र सील के बारे में वो मनन करता है, पंच सील के बारे में। वो प्राणियों की हत्या करना छोड़ता है, चोरी करना छोड़ता है, व्यभिचार करना छोड़ता है, झूठ बोलना छोड़ता है, नशा करना छोड़ता है, ऐसा छोड़ के अपना सील के बारे में मनन करते रहता है। अगर उपोषित लिया तो उपोषित सील के बारे में बार बार मनन करता है, मेरा सील सही है या गलत है या तो फिर कोई मिस्टेक हो गया, ऐसा करके सील के बारे में मनन करते रहता है। सील के बारे में मनन करने से क्या होता है? राग उत्पन्न नहीं होता है, द्वेष उत्पन्न नहीं होता है, मोह उत्पन्न नहीं होता है। इसके बाद सील के प्रति मन सीधा होता है, धर्म मनन कर सकता है। इसके बाद सील के बारे में मनन करने से मन प्रबोध होता है, प्रबोध होने से प्रीति उत्पन्न होता है, प्रीति उत्पन्न होने से शरीर हल्का होता है, शरीर हल्का होने से सुख उत्पन्न होता है, सुख उत्पन्न हो समाधि मिलता है। वो अलग अलग प्रकार की झगड़ा के बीच में शांति से रहने वाला है, बिना पीड़ा के रहने वाला है, धर्म पे रहने वाले हैं, वो सील अनुस्थिति में रहता है। इसके बाद पंचमा है छागानुस्थिति, छागानुस्थिति मतलब दान देने के बारे में मनन करता है। दान देने के बारे में मतलब कंजूसी को छोड़ के, कंजूसी के बारे में बिना मनन करके वो त्याग के बारे में मनन करते रहता है। हम ऐसे दान देते हैं, इसी प्रकार दान देते हैं, मेरा मन में कंजूसी नहीं है, मेरा मन में ऐसा गंदगी नहीं है, ऐसा दान देते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया जो कंजूस है, लोभी है, वो लोग मरने के बाद सांप बन जाता है, ऐसा जन्म में आ जाता है कंजूसी लोग। इसलिए त्याग गुण हम लोग अपनाना चाहिए, वो छागानुस्थिति है। छागानुस्थिति मतलब क्या है? त्याग करने के बारे में मनन करना चाहिए। हम अपना पैसा त्याग किया है, पैसा त्याग करके सब्जी खरीद लिया, उससे हम महासंघ को दान दे करके त्याग किया है,
ए से मनन करता है वो क्या है? चागानुसति। आप लोग के पास चागानुसति है? चागानुसति अपना करने वाले पुण्य के बारे में मनन करेंगे तो राग उत्पन्न नहीं होता है, द्वेष उत्पन्न नहीं होता है, मोह उत्पन्न नहीं होता है। इसके बाद मन सीधा होता है त्याग के बारे में। इसके बाद धर्म पे आता है मन। इसके बाद मन जागृत होता है, प्रबोध होता है, प्रबोध होने के कारण प्रीति उत्पन्न होता है, प्रीति उत्पन्न होने के कारण शरीर हल्का होता है, शरीर हल्का होने के बाद शरीर में सुख मिलता है, सुख मिलने के बाद समाधि मिलता है। वही व्यक्ति बहुत प्रकार के झगड़ा के बीच में शांति से रहते हैं, वो पीड़ा सहित दुनिया में बिना पीड़ा के रहते हैं, वो धर्म पे रहता है, वो त्यागी है, देता है दूसरों को, त्याग करता है अपना संपत्ति को, त्याग करता है दूसरों के लिए, वो चागानुसति हमेशा मनन करने का चीज है। त्याग के बारे में मनन करेंगे तो मन करता है हमेशा दान देने के लिए ना। अंतिम गुण है देवतानुसति। मार्ग पे आए हुए भगवान बुद्ध के आर्य श्रावक लोग देवताओं के बारे में मनन करते हैं। देखिए देवताओं के बारे में मनन करता है कैसे? देवताओं है कहाँ पे? चातुम महाराज के देवलोक में, तावतिंस देवलोक में, याम देवलोक में, तुषित देवलोक में, निम्मान रति देवलोक में, परनिमित वसवार्थी देवलोक में, तथा ब्रह्मलोक में। ब्रह्म को भी देवता कहते, वो सारे देवता के बारे में मनन करता है। ये कैसे सोचता देवी देवताओं के बारे में? देवताओं का भी देखा है तो कैसे? भगवान बुद्ध ने बताया इसलिए। नहीं तो कोई कोई लोग कहेगा कैसे देवताओं के बारे में कौन जानता है, कौन साइंटिस्टिक खोज लिया देवता के बारे में? ये फालतू बात बोलता है ना लोग, ऐसे लोग कभी में ज्ञान सुना नहीं है। कोई कोई लोग पसंद नहीं करता है देवताओं के पास जाने के लिए। देवताओं के बारे में कैसे मनन करता है भगवान बुद्ध ने बताया। देवताओं के पास पांच गुण है, यानी कि देवलोक में जाने के पहले मनुष्य लोक में रहते समय वो लोग पांच गुण अपनाया, इसलिए वो लोग देवता देवलोक में गया। पहला है श्रद्धा। देवताओं के पास श्रद्धा है किन के प्रति? भगवान बुद्ध, उनकी धर्म और आर्य महासंघ के प्रति श्रद्धा है। मेरा मन में भी श्रद्धा है, क्या आपके मन में नहीं है? इसके बाद सोचते हैं देवताओं के पास सील है, जो जो कोई सील पालन करता है वो सील देवताओं के पास है, मेरे पास में भी है। देवताओं के पास धर्म की ज्ञान है, यानी कि श्रुत धर्म की ज्ञान है, भगवान बुद्ध की ज्ञान उन लोगों के पास है, मेरे पास में भी है। इसके बाद देवताओं बिचागी है, देते हैं, दे करके ही देवताओं के पास गया, इसलिए देवताओं भी देते हैं, इसलिए मेरे पास में भी चागी गुण है। इसका देवताओं के पास प्रज्ञा है, प्रज्ञा होते हुए देवताओं के पास गया, किस चीज का? चार आर्य सत्य के बारे में, भगवान बुद्ध के ज्ञान के बारे में, छह इंद्रिया के बारे में, अनित्य दुख अनात्म के बारे में पूरा ज्ञान है। तब उन लोग मरने के बाद देवताओं के पास गया, अभी भी है, मेरा मन में भी है। ऐसा है तो देवताओं के पास जो गुण है वो मेरा पास में भी है, इसका मतलब मुझे भी मरने के बाद उस देवताओं के पास जा सकता है। सिर्फ जा सकता है नहीं, ये श्रद्धा सील धर्म की ज्ञान त्याग एवं प्रज्ञा, ये पांच गुण इस जीवन में अगर प्रैक्टिस करेंगे, भगवान बुद्ध ने बताया, वो मरने के बाद देवताओं के पास जाता है, देवताओं के पास जा करके प्रैक्टिस करता है धर्म।
देवताओं के पास से जा करके निर्वाण प्राप्त करता है, वो रुकता नहीं देवताओं के पास जा करके। इसलिए आप जो आप लोग जान गया है छह कारण, पहला क्या है भगवान बुद्ध के बारे मनन करेंगे, दूसरा धर्म के बारे में मनन करेंगे, तीसरा आर्य महाश्रावक संघ के बारे में मनन करेंगे, चौथा सील में रहते हुए सील के बारे में मनन करेंगे, पांचवा त्याग करते हुए त्याग गुण अपना करके उस त्याग के बारे में मनन करेंगे, छठा है देवताओं के बारे में विश्वास करके देवलोक में मन रखेंगे। देवलोक मन रखना चाहिए तब देवताओं के पास जन्म ले सकता है। ऐसा गुण धर्म देवताओं के पास है, मेरे पास में भी है, ऐसे तो मुझे भी उस देवताओं के पास जा करके धर्म को प्रयास कर सकता है। इसलिए आप सभी लोगों को भी ये गुण धर्म अपना करके ये पुण्यवान गुण धर्म से भगवान बुद्ध के आर्य श्रावक जैसा जीवन बिता के खुशी से रहने का भाग्य मिल जाए। सा